हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड। तो आज हम आपके लिए एक ऐसा नया अपडेट लाए हैं जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि कोरोना जो बहुत ही खतरनाक वायरस है, हवा के जरिए भी फैल रहा है। तो इस रिपोर्ट में 32 देशों के लगभग 200 से अधिक वैज्ञानिकों ने पत्र लिखा है और इसमें बताया है कि कोरोना वायरस जो हवा के जरिए फैलने के सबूत उन लोगों को मिले हैं। तो इस पर सरकार ने और WHO ने एक नई गाइडलाइंस जारी की है। कोरोना वायरस महामारी समय के साथ लगातार गंभीर होती जा रही है। COVID-19 वायरस का स्वरूप लगातार बदलने के दावे कई वैज्ञानिक कर चुके हैं। इस संबंध में एक बड़ा नया दावा हुआ है जिसमें 23 देशों के लगभग 200 से अधिक वैज्ञानिकों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से कहा कि वायरस में वायुजनित यानी हवा के जरिए फैलने के सबूत हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। यह एक छोटे कण से किसी व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। तो संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने अभी तक सांस और छींकने को ही कोरोना फैलने का मुख्य कारण बताया था, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें बताया गया है कि लोगों के वापस घर, रेस्टोरां, कार्यालय, बाजार और कैसीनो जाने से विश्व स्तर पर कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। इसमें प्रवृत्ति की लगातार पुष्टि हुई है कि वायरस बंद जगहों में ठहर जाता है और आसपास के लोगों को संक्रमित कर देता है। तो WHO ने सभी देशों के अपने गाइडलाइंस में बदलाव करने को कहा है और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 32 देशों के लगभग 239 वैज्ञानिकों ने WHO को लिखे हुए एक खुले पत्र में लोगों को संक्रमित करने के छोटे कणों की क्षमता रेखांकित की है और एजेंसियों ने अपने सुझावों में बदलाव करने की अपील की है। एरोसोल या ड्रॉपलेट जो होते हैं, ये हवा में पार्टिकल होते हैं जो 5 माइक्रोन से छोटे होते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से भी फैलता है, लेकिन 29 जून को एक नए अपडेट्स में उसने कहा कि वायरस वायुजनित तभी हो सकता है जब चिकित्सीय प्रक्रिया के बाद एरोसोल या ड्रॉपलेट 5 माइक्रोन से छोटे हैं। स्वास्थ्य एजेंसी ने खांसने और छींकने से संक्रमण फैलने के दावे को आधार बनाते हुए मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाने और हाथ धोते रहने के सुझाव दिए थे। इन बातों का ध्यान रखना होगा, ख्याल रखना होगा। तो आप लोग कोशिश करें कि घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें और भी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी, इसलिए बताना आवश्यक समझा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।